हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग देखेंगे कंजंक्शन। तो पिछले वाले वीडियो में हमने पार्ट वन और पार्ट टू में प्रीपोजिशन का मतलब डिटेल में स्टडी किया है, तो अब हम लोग देखेंगे कंजंक्शन किसे कहते हैं। कंजंक्शन हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच का सातवां टॉपिक शुरू है। तो मैं यहाँ पर दो सेंटेंस लिखता हूँ। पहला वाला सेंटेंस है, सीता और गीता दोनों बहने हैं। इंग्लिश में भी लिखता हूँ, सीता एंड गीता बोथ आर सिस्टर्स। दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ मैं, सीता सुंदर है और गीता होशियार है। इंग्लिश में देख लेता हूं, सीता इज ब्यूटीफुल एंड गीता इज क्लेवर। तो फ्रेंड्स, ये दो सेंटेंस है। पहला वाला सेंटेंस देखिएगा, सीता और गीता दोनों बहने हैं। तो यहां पर सीता क्या है? सीता एक नाम है और गीता क्या है? ऑब्वियसली गीता भी एक नाम है। तो यहां पर सीता और गीता मतलब ये एक नाम है, सीता और गीता ये दूसरा नाम है। तो दो नामों को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है यहाँ पर? तो सीता और गीता को ये और जो वर्ड है, ये और जो शब्द है, वो दोनों नामों को जोड़ रहा है। तो ऐसा कोई भी शब्द जो दो नामों को जोड़ता है उसे कहा जाता है कंजंक्शन। उसके बाद में दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, सीता सुंदर है और गीता होशियार है। इसमें क्या है? ये सीता सुंदर है, इतना क्या है, सीता सुंदर है एक सेंटेंस है, वाक्य है। और दूसरा गीता होशियार है क्या है? ये दूसरा वाक्य है। मतलब ये पहला वाला वाक्य जो है सेंटेंस है, सीता सुंदर है, और दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो है गीता होशियार है। तो इन दोनों सेंटेंस को कौन से शब्द ने जोड़ा? ये और शब्द ने। पहले वाले सेंटेंस में दो नामों को जोड़ा और ने, दूसरे वाले दो सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़ा और ने। मतलब जो ऐसा कोई भी शब्द जो दो नामों को या दो सेंटेंस को जोड़ता है उसे कहा जाता है कंजंक्शन। तीसरा वाला सेंटेंस लिखेंगे, वह और उसका भाई गरीब है, मतलब वो लड़की समझो, बराबर है। तो शी एंड, इंग्लिश में लिखता हूं मैं, शी एंड हर ब्रदर आर पुअर। तो यहां पर देखिए, वो मतलब शी, बराबर है। तो क्या है? प्रोनाउन है शी, वो और उसका भाई, ये क्या है? एक नाउन है। मतलब यहाँ पर और शब्द को मतलब और ये जो वर्ड है इसने किसे जोड़ा है? एक प्रोनाउन और एक नाउन। ये वह क्या है? सर्वनाम है, प्रोनाउन है। और उसका भाई क्या है? एक नाउन है। तो मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मतलब दो नाउन को या प्रोनाउन को जोड़ता है उन्हें भी कहा जाता है कंजंक्शन। तो एक डिटेल में कैसे हम लोग इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं? ऐसा कोई भी शब्द जो दो नामों को, दो सर्वनामों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ता है उसे कहा जाता है कंजंक्शन। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन हम लोग लिख लेंगे। तो पहला वाला है एंड, ये तो हम लोगों ने अभी सेंटेंस में पढ़ाई है। दूसरा वाला और मतलब या, फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई या कोलकाता जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई और कोलकाता, मैं मुंबई या कोलकाता जाऊंगा। तो यहाँ पर मुंबई क्या है? नाउन है। कोलकाता क्या है? वो भी एक नाउन है। तो ये दो नाउन को कौन से शब्द ने जोड़ा है? और ने। दूसरा वाला सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, मैं अंग्रेजी या गणित की पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी इंग्लिश और मैथ। मतलब इंग्लिश एक नाम है, मैथ्स दूसरा नाम है। दो नामों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? और भी क्या है? कंजंक्शन है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे देयरफॉर और सो मतलब, और सो का भी मतलब है इसलिए। तो देयरफॉर और सो का इस्तेमाल हम लोग देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल, मैंने पढ़ाई की इसलिए मेरा पहला नंबर आया। मैंने पढ़ाई की इसलिए मेरा पहला नंबर आया। स्टडीड therefore I got first rank।
मुझे गांव जाना था इसलिए मैंने पढ़ाई जल्दी पूरी की। तो आई हैव टू या फिर आई हैड टू गो टू विलेज सो आई कंप्लीटेड माई स्टडी अर्ली। समझ में आ रहा है, मुझे गांव जाना था इसलिए मैंने पढ़ाई जल्दी पूरी की। आई हैड टू गो टू विलेज सो आई कंप्लीटेड माई स्टडी अर्ली। उसके बाद में सो दूसरा वाला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी थी इसलिए मैंने किताब खरीदी। मतलब आई हैड टू स्टडी सो आई परचेस्ड अ बुक। तो सो का इस्तेमाल भी हम लोगों को समझ में आया है, देर को रहा सो का एक ही मीनिंग है, मतलब इसलिए। उसके बाद में हम लोग देखेंगे बट मतलब किंतु, बट का इस्तेमाल हम लोग अभी देखेंगे। मुझे गाड़ी खरीदनी थी किंतु मेरे पास पैसे नहीं थे। आई हैड टू परचेस अ बाइक बट आई हैड नो मनी। तो उसमें क्या हो रहा है, मुझे गाड़ी खरीदनी थी एक सेंटेंस और मेरे पास पैसे नहीं थे दूसरा सेंटेंस। किसने जोड़ा, किंतु ने मतलब बट ने। तब हम लोग ऐसे सेंटेंस में बट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वो क्या कर रहा है, बट हमेशा क्या करेगा, बट दो सेंटेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा। दूसरा वाला सेंटेंस, मुझे खाना खाने की इच्छा हो रही है लेकिन मेरे घर पे खाना नहीं है, मतलब बनाया नहीं है। तो कैसे बोलूंगा मैं, आई एम ईगर टू हैव डिनर और लंच बट द लंच और द फूड इज नॉट प्रिपेयर्ड एट माय होम। मतलब मुझे खाना खाने की इच्छा हो रही है लेकिन मेरे घर पे खाना बना नहीं है। तो बट का मतलब किंतु या फिर लेकिन। उसके बाद में हम लोग देखेंगे बिकॉज। बिकॉज मीन्स, बिकॉज मतलब क्योंकि। तो उस पर एक पिक्चर भी है सलमान खान की क्योंकि। तो हम लोग पिक्चर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग वी विल हैव टू स्टडी टू सक्सेस इन आवर लाइफ। तो बिकॉज का इस्तेमाल कहाँ करना है हम लोग अभी देखेंगे। मुझे अस्पताल में एडमिट किया गया क्योंकि मैं बीमार था। आई वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बिकॉज, क्यों क्यों किया गया, आई वॉज सिक। समझ में आ रहा है, मैंने ट्यूशन क्लास लगाई क्योंकि मैं पढ़ाई में वीक था। मतलब आई started attending tuition class because I was weak in studies. Because के ऐसे बहुत सारे example हम लोग क्योंकि के ले सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है, हाँ तो comment करके मुझे please बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या कुछ difficulties है तो comment में आप लोग मतलब बताइएगा, मैं explain करने का पूरा प्रयास करूँगा। मतलब ये जो है and, therefore, so, or, but, because, ये जो शब्द है वो हमेशा दो नामों को या दो सर्वनामों को या फिर एक नाम या एक सर्वनाम इनको जोड़ेगा या फिर दो सेंटेंस को जोड़ेगा। मतलब ये शब्द हमेशा दो नामों को, दो सर्वनामों को या फिर दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, इसलिए इन्हें कहा जाता है कंजंक्शन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, आई नीड यूर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी। You must study in order to become affluent in English language. So friends, see you in the next video. Till then, bye and take care. Thank you.